तो साथियों बात करें फोर्टीन नवंबर की तो उस दिन लास्ट डेट होने वाला है यहाँ पे दो आईपीओ का एक होगा यहाँ पे कैनीस का आईपीओ और दूसरा होने वाला है आईनॉक्स का अब अगर यहाँ पे सब्सक्रिप्शन फिगर की हम बात करें तो क्यू का अगर आप नंबर देखेंगे तो कुछ वैसा ही हमें देखने को मिल रहा है जिस तरीके से बीका जी में हमें खेला होते हुए देखने को मिला था वहाँ पे लास्ट मोमेंट में क्यू ने जबरदस्त सब्सक्रिप्शन किए थे और ग्री मार्केट प्रीमियम में एक अच्छी डिमांड हमें लास्ट लास्ट में देखने को मिली थी लेकिन दोस्तों अगर आप ये सब्सक्रिप्शन फिगर भी देखेंगे तो आधी कहानी जो है तो आपको यहीं से क्लियर हो जाएगी और सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है पिक्चर को क्लियर करने में वो एम्प्लॉयज का है आप देखेंगे किस तरीके से एम्प्लॉयज ने यहाँ पे इस आईपीओ में अपनी कंपनी में जबरदस्त यहाँ पे कॉन्फिडेंस दिखाया है जो कि ये आधी कहानी तो यहीं क्लियर कर देता है क्योंकि जब भी कंपनी का अगर कोई इंसाइडर हो चाहे वो प्रमोटर हो चाहे वो एम्प्लॉयज़ हो अगर वो शेयर्स खरीद रहा है तो डेफिनेटली कंपनी में कहीं ना कहीं कुछ अच्छा हो रहा है और स्पेशली जब से काइनीस के यहाँ पे एंकर लिस्ट रिलीज हुई है उसके बाद जिस तरीके से बड़े नाम देखने को मिले हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम में एक बहुत ही गजब हमें उछाल देखने को मिली है फिलहाल मैं ये ग्रे मार्केट प्रीमियम का डाटा आउट कर देता हूं यहाँ पे जब एंकर लिस्ट के बाद यहां पे जो है तो ग्रे मार्केट प्रीमियम 75 के देखने को मिले उसके बाद वहां अच्छी डिमांड बढ़ी 85 के हुए और फिलहाल जो है ये ग्रे मार्केट प्रीमियम एक सौ के चल रहे हैं लेकिन यहाँ पे खेला जो है वो रिटेलर्स के भी साथ हो रहा है आईनोक्स ग्रीन करके यहाँ पे कंपनी आई है और मुझे लगता है रिटेलर्स ने जिस तरीके से आइनॉक्स ग्रीन को फुल्ली सब्सक्राइब किया है मुझे लगता है कि यहाँ पर सिर्फ ग्रीन वर्ड ही देख करके उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है कंपनी में उतना ज़्यादा उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया नहीं है क्योंकि अगर हम बात करें आइनॉक्स ग्रीन की तो वो तो फिर भी कंपनी प्रॉफिट में नहीं है लेकिन इस कंपनी ने कंटिन्यूसली अपने प्रॉफिट को पोस्ट किया है अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल आईपीओ साइज की बात करें तो आठ करोड़ का ये होने वाला है जिसमें से फ्रेश इशू 530 करोड़ का है और 328 करोड़ का यहाँ पे आपको ओ आता हुआ देखने को मिलेगा प्राइस बैंड की बात करें तो 587 यानी कि वो जो बॉक्स आता है जिसमें कट ऑफ का टिक करना होता है रिटेलर्स भले चाहे वहां पे फुल्ली सब्सक्राइब ना हो लेकिन आपको कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई करना है अगर आप चाहते हैं कि वहां पे ये आपको आई पी ओ अलॉट हो तो उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें बिड साइज की तो बिड लॉट की तो यहाँ पे 25 शेयर आपके जो है तो एक बिड में एक लॉट में देखने को मिलेंगे अब बात कर लेते हैं कंपनी के ओवरव्यू की तो यहाँ पे कंपनी 2008 में इनकॉर्पोरेट होती है और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में यहाँ पर कंपनी कार्य करती है बाद में हम अभी आगे जो है तो इसके बिजनेस वर्टिकल्स के भी बारे में बात करेंगे लेकिन उससे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो कंपनी के पास आठ मैन्युफैक्चरिंग दो सर्विसिंग और एक डिजाइन एंड पैकेजिंग की फैसिलिटी जो है तो वो इंडिया में देखने को मिलती है अब यहाँ पे कंपनी के अगर हम 30 जून तक ऑर्डर बुक की बात करें तो वो दो, दो करोड़ रुपए की है यहाँ पे कंपनी जो है तो एक्सपोर्ट और जो है तो डोमेस्टिक बिजनेस भी करती है और एक्सपोर्ट भी करती है हालांकि एक्सपोर्ट का यहाँ पे एक्सपोजर उतना ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा इसके अलावा कंपनी जो है तो सेवन इंडस्ट्री वर्टिकल्स में जो है तो कार्य करती है और उसके साथ साथ आप यहाँ पे देखेंगे इसके दो कस्टमर्स रहे हैं वो भी इक्कीस कंट्रीज में अदर देन दैट अदर देन दैट यहाँ पे इस कंपनी के पास 10 ग्लोबल सर्टिफिकेट्स हैं और लगभग डेढ़ हजार का काउंट जो है हेड काउंट आपको इस कंपनी में देखने को मिलेगा जिसमें से लगभग 29 का जो हेड काउंट है वो आर सेगमेंट में कार्य करता है कंपनी के अगर हम बिजनेस वर्टिकल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्रियल एरोस्पेस और डिफेंस में भी कंपनी जो है तो कार्य करती है मेडिकल के भी क्षेत्र में रेलवे के भी सेक्टर में यहां पे कंपनी जो है तो कस्टमर्स को कैटर करती है एंड इसके अलावा आप यहां पे देख सकते हैं आईओटी और आईटी सॉल्यूशंस भी कंपनी प्रोवाइड करती है रेवेन्यू मिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेजर सोर्स जो इनकम का है वो आप देख सकते हैं ओईएम से है और यहाँ पे प्रिंटेड सर्टिक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो है उसका जो ओ करती है कंपनी उससे यहाँ पे मैक्सिमम रेवेन्यू अर्न करती है उसके अलावा अगर हम इन यहाँ पे वर्टिकल्स की बात करें तो ऑटोमोटिव और रेलवे से यहाँ पे कंपनी जो है तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है कंपनी के फाइनेंशियल्स को हम देख लेते हैं रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन अगर आप देखेंगे तो 2020 में तीन करोड़ रुपए थे फिर 421 करोड़ रुपए और उसके बाद 706 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आपको देखने को मिलेगा और फिलहाल एक क्वार्टर की अगर यहां पे बात किया जाए तो 200 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू अर्न कर लिया है यानी कि आप मान सकते हैं जिस तरीके का ट्रेंड चल रहा है तो इस फाइनेंशियल ईयर में भी इनके रेवेन्यू में आपको ग्रोथ देखने को मिल जाएगी उसके अलावा अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट की बात करें नेट प्रॉफ़िट तो आप देख सकते हैं नौ करोड़ का कंपनी का प्रॉफ़िट था वहाँ से बढ़ के दस करोड़ होता है और उसके बाद आप देखेंगे बयालीस करोड़ के प्रॉफिट है और इम इम्पॉर्टेंट यहाँ पर यह हो जाता है कि इस एक क्वार्टर में कंपनी ने दस करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया है जो कि आज से एक साल पहले या आप कहें डेढ़ साल पहले जो है तो एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में दस करोड़ का कंपनी ने, ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया था कंपनी के अगर हम एबिट्टा मार्जिन की बात करें तो 11 परसेंटेज 9.7 परसेंटेज और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे 13 परसेंटेज के एबिटा मार्जिन हमें देखने को मिलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी अच्छे हैं हालांकि बीच में एक थोड़ा सा डिप हमें देखने को मिला था लेकिन उसके बाद जो है तो अगले साल यहाँ पे कंपनी ने बेहतरीन यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी जो है तो मेंटेन किया है आर की अगर हम बात करें तो आर भी 14, 13 और उसके बाद यहाँ पे आपको 24 के आर देखने को मिलेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो यहाँ पे कंपनी के जो डेट हैं वो डिक्रीज होते हुए आपको देखने को मिलेंगे अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आई का ऑब्जेक्टिव क्या है तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे काफ़ी सही देखने को मिल रहा है सबसे पहला तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी डेट को रिड्यूस करना चाह रही है पहला उसके बाद जो कुछ पैसा बचेगा उसको यहाँ पे कंपनी जो है कैपेक्स में यूज़ करने वाली है और उसके साथ साथ कुछ यहाँ पे सब्सिडरीज में भी कंपनी इन्वेस्टमेंट करने वाली है अदर देन दैट यहाँ पे वर्किंग कैपिटल को रिक्वायरमेंट करने के लिए को फुलफिल करने के लिए यहाँ पर कुछ पैसों का यूज़ होगा और फिर जो कुछ भी बचेगा वो जनरल कॉर्पोरेट यूज किया जाएगा प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो आईपीओ से पहले यहां पे सेवेंटी नाइन परसेंटेज का आपको प्रोमोटर होल्डिंग देखने को मिलेगी लेकिन पोस्ट आईपीओ ये रिड्यूस होकर सिक्सटी थ्री पॉइंट एट परसेंटेज है यानी प्रोमोटर जो है तो स्ट्रॉन्ग शेयर्स को अपने हाथ में रखना चाह रहे हैं अब कर लेते हैं यहां पर हम पीयर टू पीयर कंपेरिजन अब देखिए कंपनी का जो मेन यहाँ पे रेवेन्यू का सोर्स है वो है यहाँ पे ओ एम में जो मेजरली कंपनीज होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की होती हैं जैसे कि आपने डिक्सन और अंबर को देखा होगा फॉर एग्जाम्पल लिए एंड सिरमा जो है एक यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल रिसेंट लिस्टेड आई है अब यहाँ पे अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी छोटा आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन कैनीज़ में देखने को मिलता है अदर देन दैट डिक्सन यहाँ पे मिड कैप का निकल के आता है और अंबर स्मॉल कैप की कंपनी है अब यहाँ पे अगर हम रेवेन्यू की बात करें इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू काफ़ी छोटी कंपनी है और यहाँ पे डिक्सन आपको काफ़ी बड़ी कंपनी देखने को मिलती है इनफैक्ट अगर हम लिस्टेड स्पेस में बात करें तो डिक्सन ओएम के सेगमेंट में वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है और एक और कंपनी है जो डिक्सन से भी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है थोड़ा बड़ा बिजनेस है उसका बट वो अभी यहाँ पर लिस्टेड नहीं है हमारे मार्केट में अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मार्जिन की तो देखिए जितने भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनियाँ होती हैं उनके मार्जिन कम होते हैं यहाँ पे लेकिन काइनीज के मार्जिन जो है पीयर्स के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी भी आप देखेंगे तो कंपनी का यहाँ पर काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा रिटर्न ऑन इक्विटी आर भी काफ़ी अच्छे हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो 100 के ऊपर के पी e. पर ट्रेड करता है डिक्सन और यहाँ पे अगर हम सिरमा की बात करें तो ये 91 के पी e. पर है और ये स्मॉल कैप की कंपनी होने के बावजूद यहाँ पे वैल्यूएशन जो है थोड़े से कंफर्ट दिए गए हैं अब बात कर लेते हैं यहां पे स्वॉट एनालिसिस की स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो डाइवर्सिफाइड यहां पे प्रोडक्ट जो है आपको इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा कंपनी रेलवे में भी कार्य करती है कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में भी है डिफेंस में भी है आईओटी वगैरह में भी है तो इस तरीके से इसका जो बिजनेस है काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड आपको देखने को मिलेगा बींग एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यहाँ पर इसको मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव का जो है तो एडवांटेज मिल सकता है क्योंकि गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा पुष है डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक के सेगमेंट में अब यहाँ पर अगर हम थ्रेट्स की बात करें तो थोड़ा बहुत यहाँ पर जो थ्रेट है वो कॉमोडिटी के इन्फ्लेशन के साइड से देखने को मिल सकता है अदरवाइज यहाँ पे अगर हम वीकनेस की बात करें तो काफ़ी कंसंट्रेटेड यहाँ पे रिस्क जो है वो आपको क्लाइंट के साइड से देखने को मिल सकता है अगर हम 63 परसेंटेज इनके रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन की बात करें तो वो टॉप टेन इनके जो है तो क्लाइंट से निकल के आता है यानी कि अगर क्लाइंट यहाँ पे नाराज हो गए जहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू निकल के आता है तो कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी पे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ सकता है और सीधी सी बात है दोस्तों क्लाइंट कंसंट्रेशन जितना कम होगा मेरे हिसाब से मतलब चार से पांच परसेंटेज से ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए किसी भी क्लाइंट पर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए वो काफी एक हेल्दी जो है तो एक तरीके से क्लाइंट कंसंट्रेशन माना जाएगा आईपीओ की अगर डेट्स की बात करें तो फोर्टीन यहाँ पे लास्ट डेट है फाइनलाइजेशन जो है अलॉटमेंट जो होगा वो सत्रह नवंबर को होगा रिफंड अट्ठारह नवंबर को कर दिए जाएंगे और इसकी लिस्टिंग जो है वो बाईस नवंबर को आपको देखने को मिलेगी अब अगर मैं आपको यहाँ पे एंकर लिस्ट दिखाऊं तो आप यहाँ पे कुछ अच्छे नाम देखेंगे जैसे कि एक तो यहाँ पे आपको नमूरा का नाम देखने को मिलेगा गोल्डमैन सैक के यहाँ पे नाम आपको देखने को मिल जाएंगे और इसके अलावा अगर एक बहुत ही दमदार यहाँ पे नाम की बात किया जाए तो वो आपको यहाँ पे एबकस देखने को मिलता है तो ये कुछ दो तीन यहाँ पे नाम इतने बड़े आए हैं एंकर लिस्ट के आने के बाद यहाँ पे जिस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम में जो है तो राइज देखने को मिला है तो उससे एक अच्छी डिमांड यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम में हमें देखने को मिली है और मुझे लगता है ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे रिटेलर की साइड से उतना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आया नहीं है और ग्रे मार्केट प्रीमियम भी लगभग अठारह परसेंटेज के आसपास आपको देखने को मिल रहे हैं तो लिस्टिंग इनके हिसाब से मेरे हिसाब से ये एक प्रिफर चॉइस होनी चाहिए काइनीज़ अगर आपके पास आप दो यहाँ पे आईपीओ पी हैं हमारे पास हम कायनीज़ की बात करें और आइनॉक्स की बात करें तो ये एक वन ऑफ द प्रिफर चॉइस मेरे ओपिनियन से हो सक होनी चाहिए बाकी आपका अपना ओपिनियन है वो थोड़ा सा डिफर कर सकता है तो ये मेरे कुछ पॉइंट हैं जिनकी वजह से मैं इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करूंगा वन ऑफ द रीज़न यहाँ पे कंपनी प्रॉफिटेबल है वैल्युएशन्स काफ़ी अच्छे हैं एंकर लिस्ट में काफ़ी बड़े बड़े नाम देखने को मिले हैं अच्छे नाम देखने को मिले हैं और उनकी वजह से ग्रे मार्केट में भी अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है एंड लिस्टिंग गेन के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कंपनी के ऑर्डर बुक काफ़ी हेल्दी हैं एंड एक और रीज़न की बात करें तो यहाँ पर रिटेलर्स ने इसको ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं किया है तो यानी कि ज्यादा चांसेस हैं कि यहां पे ये आईपीओ जो है आपको अलॉट हो सकता है बाकी दोस्तों आपका इस आईपीओ को लेकर के क्या ओपिनियन है आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बता सकते हैं वीडियो अगर यूजफुल लगा हो इन्फॉर्मेटिव लगा हो वीडियो को लाइक like कर सकते हैं डू नॉट फर्गेट टू सब्सक्राइब और चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो